प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा पिछले दिनों मादक पदार्थ की तस्करी एवं उसके अवैध व्यापार को लेकर जारी हुए दिशा निर्देश को देखते हुए जावरा शहर से लगे हुए उन ढाबों में जिसके मालिक या परिवार के कोई भी सदस्य मादक तस्करी या मादक वस्तु के व्यापार में अथवा पुलिस रिकॉर्ड में संलग्न पाए गए हैं, उन पर आज सुबह 7 बजे से देर शाम तक अतिक्रमण की कार्यवाही की गई। देर शाम को SDM कार्यालय जावरा में SDM जावरा एवं CSP जावरा ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रदेश में किसी भी शहर पर कोई भी व्यक्ति मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त पाया जाता है उस पर कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। इसी के तहत जावरा शहर के आसपास बने हुए ढाबे मालिकों की जांच करने पर पता चला कि अधिकांश ढाबा मालिक ढाबे की आड़ लेकर मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त पाए जाने पर आज 29 ढाबों को नियमानुसार अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया। अतिक्रमण से मुक्त हुई भूमि की कीमत 3,25,00,000 के लगभग बताई गई है। एक ढाबे से 1-2 मुहा सांप भी बरामद कर वन विभाग के द्वारा जंगल में छोड़ा गया है। इस सांप की कीमत लाखों में बताई गई है। CSP जावरा ने बताया कि इस कार्यवाही के बाद अपराधी और आगे न बन पाए इसके लिए समय समय पर इस तरह की वैधानिक कार्यवाही की जाती रहेगी। देखिए, पूरे प्रदेश स्तर पर 2 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नशा मुक्ति अभियान शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत पूरे प्रदेश को नशे से मुक्त करना है और जो भी लोग इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त हैं उनके अगेंस्ट में कार्रवाई करनी है। उसी के परिपालन में पूरे प्रदेश भर में कार्रवाइयाँ जारी हैं और रतलाम में भी कार्रवाइयाँ लगातार जारी हैं। इसके अंतर्गत आज जावरा उपखंड में पिपलौदा तहसील में 3 गाँवों के में जो ढाबे बने थे उनको तोड़ा गया है। सभी ढाबे जो जावरा IA थाना है उसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी जो ढाबे थे उनमें कहीं ना कहीं से ये सभी मादक पदार्थों की तस्करी में उनके व्यापार में संलिप्त थे और सभी के विरुद्ध अलग अलग धाराओं में केस दर्ज हैं, चाहे वो रतलाम जिले में हो या रतलाम जिले से बाहर। तो इन सभी को चिन्हित करके कार्रवाई की गई। सर, पुराने प्रकरण दर्ज थे इनपे कि नए इन्होंने किसी मामले के अंदर अपनी हिस्सेदारी की? इसमें जो प्रकरण इनके खिलाफ जो आपराधिक रिकॉर्ड था उसमें सभी रिकॉर्ड निकाले गए हैं। कुछ जो थाने के HS रहे हैं, कुछ पहले से बहुत पुराने जो है आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं, कुछ अभी के टाइम में, लेकिन कहीं ना कहीं इन सबकी इनकी या इनके परिवारजनों की संलिप्तता पाई गई है, तो उसके बेसिस पे फिर ये पूरी स्क्रूटनी करने के बाद ये कार्रवाई की गई। कितने ढाबे ऐसे चिन्हित किए थे सर आपने? उनकी लागत कितना है, वैल्यूएशन क्या था? ये टोटल 29 ढाबे जो तोड़े गए हैं उनकी कंस्ट्रक्शन वैल्यू अराउंड 3.2 करोड़ है, तो इतने का आज निर्माण तोड़ा गया है। वैद्य निर्माण सर, विचित्र प्रजाति का कोई जंतु भी वहाँ से मिला है? एक ढाबे से एक दिन मिला है, बिल्कुल मिला है। एक ढाबा जो हमने हसनपल्लिया में तोड़ा है वहाँ से हमें एक रेड सैंड बोआ स्नेक बरामद हुआ है, और जो कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसमें वो Schedule 4 में एक प्रोटेक्टेड स्पीशी है। तो जैसे ही हमने देखा हमने वन विभाग को इन्फॉर्म किया और वन विभाग ने फिर उन पर कार्रवाई करी। सर, ये कुछ मालूम पड़ा सर, इस सांप का क्या करते हैं, किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है? देखिए, जैसा अब इतनी हमें जानकारी नहीं है, बट वन विभाग के द्वारा जैसा बताया गया कि इनको एज एन ओमेन ऑफ गुड लक को मानते हैं और इसलिए लोग इसको रखते हैं कि शायद उनकी किस्मत सही रहे, और इसको बेचा भी जाता है, हालांकि पूरी तरीके से अवैध है बेचना और इसकी किसी प्रकार की तस्करी करना। सर, इसमें किसी व्यक्ति को हिरासत वगैरह में लिया गया? बिल्कुल, जो उनके मालिक हैं उस ढाबे पे जहां से बरामद हुआ है उनको हिरासत में लिया गया और वन विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। कितने अधिकारी और कितने कर्मचारी इसके अंदर और लगभग कब? सरसी से पवन धाकड़ की रिपोर्ट।